बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही कोई प्यारा सा मायो लुक हेयर स्टाइल शेयर करूँगी। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले तो हम लोगों ने सेक्शन करना है, ठीक है, एयर टू एयर हमने सेक्शन करना है, ठीक है, और हमने बैककॉम्बिंग करनी है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग मैं किस तरह से सेक्शन कर रही हूँ। मेरी मोस्टली वीडियो से मैंने सेक्शन करना आपको बताया है, और नीटनेस के साथ आपने वर्किंग करनी है, ठीक है। और आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से सेक्शन कर रही हूँ। एयर टू एयर हमने सेक्शन करके हमने एक जो है नेचुरल वैकॉम करना है। बहुत ज़्यादा हाई वैकॉमिंग हमने नहीं करनी, ठीक है। और हम चाहें इसके अंदर तो वैकॉमिंग पैड भी रख सकते हैं, बट आप वैकॉमिंग भी बहुत अच्छे से करके इसको हाई लुक भी देख सकते हैं। और हमें तो खैर नेचुरल ही वैकॉम चाहिए, तो अभी हम नेचुरल वैकॉमिंग कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने रूट्स पे वैकॉमिंग करनी है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से होल्ड की हुई हूँ हेयर्स को, और मैं रूट्स तक किस तरीके से लेकर आ रही हूँ। टेल कॉम की टेल की हेल्प से आपने इसको फ्रंट पे इस तरीके से फ़िक्स करना है, और आपने हेयर्स को छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है, एंड देन आपने इसको अच्छे से फ़िक्स कर देना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मेरी ग्रिप, और उसके बाद आपने इसको क्रॉस में पिंस करके फ़िक्स कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपने पिंस को बहुत टाइटली फ़िक्स करना है। फोर पिंस हम यूज़ करेंगे वैकॉमिंग में, ठीक है। ये हमारी पिंस जो है वो फिक्स हो चुकी हैं। देन हम फ्रंट पर आएंगे। व्यूअर्स, हमने सेंटर पार्टीशन कर लिया है, ठीक है, बिल्कुल हमने सेंटर पार्टीशन इनको दिया है इधर हम, ठीक है, ये हमने कर लिया। और अब हमने सेक्शन किस तरीके से करना है, हमें वी शेप देना है, ठीक है। लुक हमारा वी शेप आ गया है। अब हमने इधर फ्रेंच बनानी है, ठीक है। इस तरीके से आपने हेड को होल्ड करना है, एंड देन आपने यहाँ पर इस तरह थ्री सेक्शंस लेके इस तरीके से उल्टी आपने फ्रेंच बनानी है, ठीक है। ये आप लेते जाएंगे सेक्शन, और फिक्सिंग आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से जो हेयर्स को होल्ड की हुई हूँ फिंगर्स में, और हमने उसको फिनिशिंग के साथ सेम मेथड हमने जो है वो करते हुए पूरी ब्रेड बनानी है। और आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ मैं ब्रेड को जो है बना रही हूँ, और इसका लुक कितना ब्यूटीफुल आ रहा है, ठीक है। साथ साथ फिनिशिंग देते जाएंगे, फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है साथ साथ। ये हमारी ब्रेड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ मैंने ब्रेड बना ली है, और हम इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सेम मैंने एग्जैक्ट बना दी है। अब हमने यहाँ पे क्रॉस में टू पिंस करनी है, ठीक है। ये हमारी पिंस हमने कर दी। अब हम अदर साइड हमने सेम बनानी है, सेम हमने यहाँ पे भी सेम मेथड हमने यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। इस तरीके से होल्ड करते हुए हेयर्स को आपने अंडर की साइड पे, ठीक है, और इस तरीके से आपने ब्रेड मुकम्मल अपनी करती जानी है, ठीक है। फिनिशिंग के साथ आप देख सकते हैं मैंने टाइटली होल्ड किया हुआ है, और इससे हमारी ब्रेड जो है वो फिनिशिंग के साथ बन रही है। साथ साथ हम नीचे से जो हमारी दूसरी चोटी भी बनती जा रही है उसको भी हम खोलते जाएंगे, ठीक है। साथ साथ हमने ये भी काम करना है, ये नहीं कि हम ऊपर अपना वर्क करते जा रहे हैं और नीचे हम देख ही नहीं रहे हैं। साथ साथ हमने सुलझाते जाना है उसको, ताकि हमारा वर्क बहुत फाइन हो, ठीक है। नीट वर्क होना ज़रूरी है, ठीक है। हेयर स्टाइल जितना नीट बना होता है उतना जो है उसकी लुक अच्छी आ रही होती है, ठीक है। ये हमारी डन हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे इसको। टू पिंस की हेल्प से मैं क्रॉस में फ़िक्स कर दूंगी, ठीक है। और यहाँ हमारी फ्रंट ब्रेड जो है वो डन हो चुकी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी खूबसूरत आ रही है। यहाँ से हमने फ्रंट पे कर्ल्स के लिए निकालने हैं थोड़े से, ठीक है, इससे भी लुक अच्छी आती है। एंड देन हमने ये वाले हेयर्स को जो है
लाइट से इस तरीके से बस होल्ड करते हुए हमने इस तरीके से इसको होल्ड करते हुए ट्विस्ट करते हुए इसको बैक साइड से हमने ट्विस्टिंग करके बैक साइड से हम ट्विस्टिंग करते हुए ठीक है इस तरीके से हम फ्रंट पे लेकर आएंगे। ठीक है, अब हमने ये वाले हेयर्स को भी इस तरीके से ही लूज़ में निकालना है एंड देन हमने यहाँ पे सिंपल चोटी बनानी है लूज़ वाली। ठीक है, बहुत लूज़ करके हम बनाएंगे। इस तरीके से हमने 3 सेक्शंस करना है एंड देन हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए हम इसको बनाएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैं ट्विस्ट कर रही हूँ और इसके साथ मैं इसको बनाती जा रही हूँ। ट्विस्टिंग आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, बहुत इजी मैं आपको ये बता रही हूँ। इससे ऐसा लग रहा है कि हमने खजूरी इसके अंदर बनाई है, बट ये क्रिम्प मैंने किए हुए थे फुल हेड पे, तो इस वजह से इसकी लुक इतनी प्यारी आ रही है। ठीक है, मैं इसको ट्विस्टिंग करके इसको सिंपल इसके साथ एडजस्ट करूँगी और इसको लूज़ लूज़ मैसी कर दूँगी। ठीक है, ये हमने ट्विस्टिंग करते हुए और इसको हमने इस तरीके से मैसी करना है लाइट सा। ठीक है, एंड देन हमने ऊपर से इसको इस तरीके से लूज़ करना है। ठीक है, ये वाली साइड आप देख सकते हैं इस तरीके से अपने लूज़ करना है इसको और ये आपने एडजस्ट कर देना है इसको। ये वाले जो हमारे पास फ्रंट पे हेयर्स हैं हमने इसको लाइट सा लूज हम कर्ल्स करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने लूज कर्ल्स करने हैं, बहुत लाइट से हमने कर्ल्स देने हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं और उसके बाद आपने टू पार्टिंग में इसको कर्ल्स करके इसको तो ये दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे कर्ल हो गए। ठीक है, यहाँ हमने कर्ल्स कर दिए, अदर साइड भी हमने ऐसे ही कर्ल्स करने हैं। टू सेक्शंस में हम कर्ल्स करेंगे अपने। मेरे पास ये बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी बिंदिया है, मैं इसको फिक्स करूँगी। ठीक है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको मैंने सेंटर में फ़िक्स कर दिया है। इससे भी कितनी प्यारी लुक आई है और जो है हमारा हेयर स्टाइल इन्हेंस हो गया। और मेरे पास बड़े प्यारे से फ्लावर्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, वाइट कलर के बड़े खूबसूरत से फ्लावर्स हैं। इनको मैं जो है अरेंज करूँगी इधर चोटी के साथ। ठीक है, और किस तरीके से मैंने इसको अरेंज करना है, इसको मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, और मैंने इसको वन बाय वन करके इसको यहाँ पे सेट करते जाना है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं चोटी और भी जो है इसे ब्यूटीफुल लग रही है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसको मैंने अंदर इस तरीके से फिक्स कर दिया है। व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं हमारा मायों का हेयर स्टाइल लुक मेकअप के साथ डन हो चुका है। मैंने इसमें लाइट मेकअप किया हुआ था, बट मैंने हेयर स्टाइल आप लोग को जो सिखाया है इजी टेक्निक्स के साथ, आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जब इसको ऑन हेयर ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ईजी टेक्निक्स के साथ मैंने आपको ये छोटी स्टाइल शेयर किया है। अगर कुछ नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह न्यू लुक के साथ दोबारा आपसे ज़रूर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।